अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, मगर मेरी आंखों की सूरत आप देख रहे हैं। अभी आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के डी चौक के आसपास। यहाँ पे जो है शलिक पीछे की जा रही है, एहतजाजी रैली निकली हुई थी आज इमरान खान की, जो डेरा इसमान खान से बरामद हुई और सभापति से यहाँ पर आनी है। अभी जो है सारे कारकुन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं के सामने। यहाँ लोगों का रश कश लगा हुआ है, यहाँ पे शेलिंग हो चुकी है पहले से ही, आके काफ़ी ज़्यादा जल रही है हमारी। लोग जो है यहाँ पे आग शाग लगा के और शेलिंग के धुएं का जो है तोड़ निकाल रहे हैं। जो लीडर मिला है वो हकीकी मानों में पाकिस्तान को आज़ाद करवाना चाहता है, हमारी आने वाली नस्लों को आज़ाद करवाना चाहता है। मेरी उन दानों से भी अपील है कि खुदारा जो 75 साल में आपने जो कर दिया है वो आपने कर दिया है, अब अवामी मैंडेट को तस्लीम करें और अवाम को, अवामी हुकूमत को आने दें। और ये अपने चोर लुटेर दरवाज़ों से, चोर लुटेरी जो दरवाज़ों से आपने 47 की हुकूमत बनाई हुई है, उसको जो है ना आपने मैंडेट चोर दरवाजे से दिया, जो अवाम नहीं मानती। आप अवामी हकूमत को जिस तरह से मानना चाहिए आप उसको माने और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबल पैदा होगा। और आप ये भूल जाएं कि आप जिस तरह से हुकूमत करके उसके बाद लुटेरों को, गासबों को हमारे ऊपर मसलत करते हैं, हुकूमत ख़त्म होने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, अरबों की जायदादें उनकी बाहर हैं और पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब हो जाता है। तो खुदारा ऐसा मत करें, आपकी नस्लें तो बाहर चली जाएंगी, इस अवाम का क्या होना है? इनकी नस्लें यहाँ पर पैदा होती हैं, यहीं पर मर जाती हैं, लेकिन आपको अल्लाह ज़रूर पूछेगा। और ये आपके लिए आखिरी जो है पैगाम कि आपने अब बस कर दें, अवाम की हुकूमत आने दें और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। खान जो 1 साल से ज़ायद जेल में पड़ा हुआ है, बेगुनाह है, उसको आज़ाद करें। हमारे जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें, ऐसा ना हो कि आपको छुपने की जगह ना मिले। रिहा करो। व्यूअर, इससे आगे जो आप सामने देख रहे हैं ना, इस तरफ आपको धुआं नज़र आ रहा होगा, इस धुएं में जो है ये सारा शेलिंग का धुआं है। इससे आगे जाना बिल्कुल नामुमकिन है। आप देख रहे हैं रोड बिल्कुल सुनसान हो गया है। यहाँ से आगे आगे आपके पास अगर मास्क है, ऐनक वगैरह है, तो आप आगे जा सकते हैं। जो जो आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपकी आंखों का देखिए इस तरह से कुछ हाल होता है, जैसे मेरी आंखों का होने लगा। देखिए थोड़ा सा आगे गया तो आंखें मेरी खुलने से कासिर हो जाती हैं। मैं निकलता कभी भी नहीं, फिर मगर जो हालात थे पेश नज़र मुझे निकलना पड़ा, आपको दिखाना पड़ा कि आप देखें हमारी कौम जो है अभी रोडों पर बाहर निकल चुकी है इमरान खान के लिए और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा और जहन के साथ में आया था, जहन की वजह से तबीयत ख़राब होने लगी है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ से दोबारा निकलते हैं घर की तरफ, या यहाँ से थोड़ा सा दूर होकर ठहरते हैं। जी जैन भाई, आपकी तबीयत ख़राब होने लगी है, क्या हो गया जैन भाई? क्या कह देखे खाली चले गए, निकलते हैं यहाँ से। मेरी खुद की तबीयत भी ख़राब होने लग गई, आगे जो इतनी शदीद जल रही है। आपकी एक सोच है, आप कभी पता नहीं आपका सामना हुआ है शेलिंग से कभी कि नहीं हुआ। मेरा जो है पहली दफ़ा हुआ है शेलिंग से सामना, तो इस तरह से महसूस होता है जैसे कि रेड चिली की आंखों में आपके डाल दियो, मतलब सुर्ख मिर्च ऐसे जैसे आप हाथ में लगा के आपकी आंखों पर लगा दियो, इस तरह से जलती है आपकी शेलिंग में। व्यूअर्स, ये रास्ता हमारे घर को जाता है और यहाँ पर जो आगे शेलिंग स्टार्ट है, ये आप देख सकते हैं लोग रुके हुए हैं यहाँ पर शेलिंग की वजह से। ये गाड़ी आ रही है, रुक रही है पीछे। हाँ, ये आवाम भी नहीं है, फिर भी हाल ये है। ये आपको आवाज़ें पीछे आ रही होंगे ठा ठा के। व्यूअर्स, आवाम का रुख जो है डी चौक की तरफ हो चुका है और हमारा घर बिल्कुल डी चौक के पीछे ही है। अभी जो मैंने पीछे आपको दिखाया है तो वो हमारे घर के आसपास ही शेलिंग स्टार्ट हो गई थी। हो सकता है कि रात में हमें अपना घर छोड़ना पड़े इस शेलिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ अगर हमारे घर के आसपास शेलिंग शुरू हो गई तो जो है घर तक उसके असरात आते तो घर में रहना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। पिछली बार भी इसी तरह से हुआ था कि यहाँ पे शेलिंग हुई थी, शेलिंग होने की वजह से जो है तो हमने घर वगैरह सारे छोड़ दिए थे। अभी वो सामने उस तरफ जो है शेलिंग स्टार्ट है, अभी हम घर की तरफ हमने जा रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये सामने आपको ना धुआं वगैरह नजर आते हैं, ये पुलिस की देखिए गाड़ियां वगैरह रेडी स्टैंडिंग है, पुलिस भी है, तैनात हो चुकी है। अब घर चलते हैं और घर जाके सूरत हाल अपने देखते हैं कि किस तरह से जो है घर का माहौल है, अभी वहाँ रहने के काबिल है कि नहीं है। अगर जो रहने के काबिल नहीं है तो फिर अभी बोरिया पैसा उठा के हम वहाँ से वो निकलते हैं कि दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं ताकि जो है सुकून से रात गुजार सके वहाँ पे। तो व्यूअर्स चलते हैं घर जाके देखते हैं क्या माहौल है। व्यूअर्स अभी जो है हम सील पैक होके जा रहे हैं, दोबारा से वापस घर में आया हूँ। घर अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिलहाल तो हालात जो है बेहतरी की तरफ है, यहाँ कोई शली वगैरह का धुआं वगैरह नहीं आया, देखते हैं कि कब तक नहीं आता। वैसे जो है वो करीब से करीब तर होते आ रहे हैं हमारे, अभी बिलाल भाई के साथ जो है हम निकल के जा रहे हैं, देखते हैं बाहर का माहौल दोबारा से आपको दिखाता हूँ। वैसे हमारे जो पीछे डी चौक की तरफ है ना, काफ़ी ज़्यादा शलिंग हो रही है चाइना चौक पर, तो बिल्कुल उन्होंने जो है धुंध का समा बनाया हुआ है, धुंध ही धुंध है हर तरफ जो है। तो मैंने अभी घर जाके पहले मुँह से धोया है, गुसल वजू किया है, नाक में पानी वगैरह डाला, मेरा दिमाग ही घूम गया यार। मेरा सब पहली दफ़ा था ना एक्सपीरियंस ये शलिंग किया गया, अपना पहला दफ़ा था, वो सामने ही शैल ला के गिरा। बिलाल भाई की बताओ ना आपको, बिलाल भाई भी गए थे घर वालों के साथ शहजाद टाउन की तरफ उन्हें छोड़ने के लिए, तो रास्ते में इनकी गाड़ी के आगे शैल आ पड़ा, तो अभी बिलाल भाई की कहानी सुनते हैं। बिलाल भाई जबान, यहाँ बिलाल भाई बताए, हमने जैसे अंडरपास में पहुंचे ना, अच्छा मेरे मेमो को मान में भी नहीं था कि आगे कोई शेलिंग होगी, गाड़ियां अपना जा रही थी तो मैं उनके पीछे पीछे था। वो आगे वाली जो हमारी गाड़ी थी ना, उसने एकदम गाड़ी तेज भगा दी, वो चला गया और मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने ही शैल आके गिरा है ना। पहले भी उधर हुई भी थी, आंखें जल रही थी, वो जब हुए तो गाड़ी के शीशे भी खुले हुए थे। तो वो सामने पुलिस आप देख रहे हैं, वो पुलिस जा रही है। तो ये है कि जिंदगी में पहली दफा ये सीन हुआ है, आंखें बंद होती थी, गाड़ी चलाई ना जाए, टेंशन मुझे थी अपनी छोटी भांजी की, 2 साल की है वो, तो उसकी आंखों में पानी ये वो, फिर मैंने फौरन बस जैसे तैसे गाड़ी वहाँ से भगाई, अपने आप को बचाया, आगे जाके फिर उसकी आंखों उसका मुंह शू धुलवाया, पानी शानी उसको पिलाया ये वो, लेकिन ये अल्लाह ने बचा लिया बस। लेकिन बहुत बुरी चीज है ये, जल सीना जलने, जैसे जैसे हवा अंदर जाती है ना, सीना ही जलने लग जाता है, सीना भी जलता है, आंखें जलती हैं, ये जगह जलती है, ये जगह आंखें खुलती नहीं, खुलती नहीं है, क्यों कर रही है कितना पास गया साढ़े ही आ रही, मैं जहन ना रहा ना, मैंने अखे लड़कों से मैं अखियाँ हाथ रख दी था, मैं कहा उस वक्त वही मैं कहती सैड है तो व्यूवर्स क्या मर्चा साड़ी तो मर्चा आई है, तो ऐसे मर्चा ने हाथ रगड़े ने क्या, वो बहुत जुलम दिया यार, अल्लाह रहम करे। बस ये है तो अपने ही लोग आपस में ही है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह माफ कर, कोई दहशत गर्द तो नहीं है, दुश्मन तो नहीं है, बिल्कुल यार। मसला तो ये ना कि अगर उनको आने दें वो पूरा अमन एहतजाज करें, ठीक है, सही है ना, तो ये रोले रपे बने ही ना, ये खाओ खा आपस में आवाम को लड़वा रहे हैं। बिल्कुल है, सही है। अभी उधर सामने प्रेस क्लब के सामने पुलिस की आपने गाड़ियां नहीं देखी, मैं वहां से आया हूँ, कतार लगी हुई थी। अच्छा, पुलिस की वैन फुल भरी हुई। अच्छा, खड़ी खड़ी कितना बनू ये ताक से रास्ते बांध नहीं तू तो बाहर निकल। अभी जो है मैंने और बिलाल भाई ने खाना खाना है, क्योंकि बिलाल भाई जो है घर वालों को छोड़ के आया शहजाद टाउन की तरफ, और मैंने भी जो है बिलाल भाई की वजह से खाना घर में नहीं खाया, क्योंकि बिलाल भाई ने नहीं खाया तो हमने इकट्ठा ही खाना था। तो अभी देख रहे हैं कि हम कहाँ जाके खाना, सेवन का रास्ता खुला है कि नहीं। हाँ चले सेवन तक तो जा ही सकेंगे, उसका रास्ता खुला है। हाँ नहीं तो यार ये परली पट्टी तो सारी खुली होगी ना, सेवन अपेट तक ये तो सारा एरिया खुला होगा। देखते हैं, चले व्यूअर जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या बनता है हमारा, साथ रहिए हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ वाले की बात है, लम्हा 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 बा लम्हा खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी व्यूअर, जिनास ऊपर था पहुँच गए हैं, देखो देख रहे था कैसे खाने हैं सामने, और भी कहना शौरमे मारमे शौरमे आला ही वे, अल्लाह तो आपको नेकी देवे। इन वो जरा बर्गर फेस्टी है बिल्लू डे सी, कैसे खाने हैं बिल्लू सस्ती तो सुथरी शायद साहब, सुथरी तो सस्ती नहीं है, सुथरी है सस्ती नहीं। बा बर्गर फेस्ट खाने आ जा मंडे वाले, चल खा एक दिन फजर तक मैं भूख ना लगे वाला। बर्गर फेस्ट है ना आपका जी यार, बैठने की जगह है वो सीडीए वाले जो है ना अलाउ नहीं करते, ये जगह हमारे इसका ज्यादा कस्टमर इधर ही बैठते इधर ये दीवार के ऊपर, तो फिर तो आप हमें जो रिहायशिया देंगे दीवार पर बैठने के लिए है, सीटी दे या नहीं है आपको बर्गर अच्छा इंशाल्लाह। चलो देखते हैं केड़ा खास है ओए गड्डी ने बैठो बात उस्ताद जी, सही बात है, देख रहे हैं केड़ा है ए जीवे शक्ल है सेम ही है हसन, मतलब जैसे शक्ल है सेम ऐसे ही होगा, इससे भी अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा, दिखने में भी अच्छा होगा, दिखने में भी अच्छा होगा। ये केड़ा उस्ताद जी, ये हैरी पॉटर वाला बीफ मशरूम, वो मशरूम करी बना नहीं, मशरूम नहीं, देख गिन चेक कर बीफ खास हो यार बीफ। हां
चल दो खाने हैं तो एक चिकन में कर दो, एक बीफ में, और बीच में आप कट होगा, फिर दोनों टेस्ट कर लेंगे। कोई है डील इस तरह की? हां इस तरह की नहीं है सर, चिकन वाला वो आता है। एक चिकन के ना को दोनों काट काट सा, एक पीस सूखा में, एक पीस सूखा में, एक पीस सूखा में, एक पीस सूखा। हां डील आप है बड़ा ऑटोमेटिक। अच्छा कौन सा चिकन वाला? कौन सा चिकन में? ये चिकन है लेपिनो कर दो, या ये वाइट बिग बैंग, या जिप्सी, या पिंडा। पिंडा स्पेशल है और ये लेपिनो और वाइट के साथ। देख उस्ताद ऐसा है, देसी लोग तो देसी पसंद करने सब कुछ ज्यादा, इंग्लिश नडे में ये ना सब वापस रिटर्न करने पड़ता है। नहीं नहीं सर, पसंद नहीं है तो रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न कर सकते हैं? माशाल्लाह भाई रिटर्न भी कर सकते हैं। ये देख बात सारे ऑर्डर दे जा, थोड़ा चेक के चेक करे सो मेरा पसंद है। बीस्ट जो है इसमें क्या क्या होता है? इसमें बीफ की डबल पेटी है, डबल स्लाइस चीज है, ब्लैक ऑलिव्स है। किस में? बीस्ट में, फ्लैस्को में? बीफ, बीफ में बीफ की डबल पेटी है, डबल चीज़ है, बारबेक्यू सॉस चिपोटले के साथ, चिपोटले सॉस। और इसमें? इसमें डबल पेटी, डबल चीज़, ब्लैक ऑलिव्स, मशरूम, टेंडी सॉस, टेंगी सॉस है, और चिपोटले और जिप्सी सॉस। इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? ये दोनों ज़्यादा चलते हैं इसमें से। इसमें ब्लैक ऑलिव्स मशरूम वगैरह है, और इसमें नहीं है, ये बारबेक्यू सॉस के साथ है। भाई ये ब्लैक ऑलिव वाला करें, एक ये कर दें। चिकन ही केड़ा करूँ यार? चिकन केड़ा भी है। इनमें से कौन सा अच्छा? चिकन में यार भिंडा कर दो, ये कर दें, ये वाइल्ड बिग बैन दोनों कर दें। पीने में तो कुछ नहीं लेंगे, पानी, कोल्ड ड्रिंक लेमन। पीते तो हम क्या पीते हैं दोस्त, क्या पूछते हो हमसे तुम? पीने का बर्गर के साथ लोग सोडा लाइक करते हैं या कोल्ड ड्रिंक या मिठाई? तुम क्या पूछते हो हमसे पीने के हाल गालिब है? हां उस्ताद था बस ये जहां मिली ना सकूं सीडी है रोला इथा भी चल ले पहन सक 52 जाइया मिली गए इस्लामाबाद रोला घेरा पिया थे साढ़े जे रेन आयाशिया ने बुकते पे व्यूअर्स एक हिसाब करता हूं एक कुर्सी आपके लिए लाया हूं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया नवाज आए अफसर डिजाइन तक शिकलो तक अफसर डिजाइन है को दीजिए कुर्सी। वाह नसीब साढ़े हर पास गरीब बंदा शिकलो ही गरीब होता है तो को दो को जल्दी जल्दी चैनल को जे रहा तो पूछो तो हमेशा मेरे थी ताकि लोग मैं अमीर जाने। व्यूअर्स ये है इस्लामाबाद की जिनास ऊपर, एक है सुपर मार्केट, ये है जिनास ऊपर F7 वो F6 में, वो आप कह सकते हैं F6 मरकज, इसको कह सकते हैं F7 मरकजी में ना मरकज यहाँ के कहते हैं एक सेक्टर की सबसे बड़ी मार्केट को। दोस्त भुतू वाली जगह नहीं है? भुतू वाली तो है दूर है, तो ना हिंदी होटल के साथ उधर जाएंगे। पैदल का सफर है, गाड़ी लेना पड़ेगा भी है, लेकिन अभी ऑर्डर दिया हुआ है ना टाइम लगेगा। नहीं नहीं तीन मिनट व्यूअर्स बहुत जोर का भुतू आया हुआ था, मैं भी फ्रेश हो गया हूँ और बिलाल भाई भी फ्रेश हो गए हैं। 20-20 रुपए लिए हैं, मैंने सका रियायत करो यार, आप भुतू के भी 20 रुपए लेते हो, भुतू से तो आपकी जो है वॉशरूम ख़राब तो नहीं होना, उल्टा साफ़ ही हो जाना है। तो उसने कहा नहीं जी 20 रुपए है, चाहे हाथ जाके धोगे तो 20 रुपए। मैं कहा चलो जी फिर बिल बिल्लू से, मैंने कहा मैं बिल्लू को जोर शोर लगाओ, कोई इससे बड़ा सड़ा सीन होता तो वो कर लो, पैसे तो पूरे करो। तो बिल्लू ने जो है दिल को खुश कर दिया है, बिल्लू सही ठीठा मार के आया, बड़े वाला अच्छे वाला पेट को बिल्कुल फ्रेश नीट एंड क्लीन करके आया है, और अभी जो है जा रहे हैं फिर इसको दोबारा से गंदा करने के लिए बर्गर डाल के। मिलते हैं भाई बर्गर वाली दुकान पे, ऑर्डर पे हमारा रेडी होगा। व्यूअर्स गरीब पता कहते हैं इश्क बैठा है, गमों को चूर ठीक है। हाँ जी व्यूअर्स हमारा जो है ऑर्डर आ चुका है, कैसे कौन है पता नहीं, क्या नहीं है वो ब्लैक वाले आले तो सबसे ज़्यादा महंगा आइटम है, मतलब 200 रुपये कट गए ऐसा है ना। हाँ खाओ खा लो हमारे साथ आ जाओ। अच्छा जी इसमें जो है व्यूअर्स क्लिप वगैरह लगी हुई है, इंग्लिश माहौल है बिल्कुल। बिल्लू भाई पहले सबसे पहले इसकी जो है पिक्चर लेंगे, एक स्नैप लेंगे, स्ट्रीक बनाएंगे, स्ट्रीक होता है ना सर? नहीं यार बड़ा ना जो नेट को नहीं बड़ा 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 बिलाल भाई स्ट्रीक बनाते हुए वो तेरे मेरे को चंगा तेरे को पता रिजल्ट बिल्लू कैसा करे। हाँ बस ठीक है चलो व्यूअर्स ये खाते उसके बाद फिर मिलते हैं। हाँ जी व्यूअर्स अभी इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं, हम खा पी के गपशप लगा के वापस आ चुके हैं घर। आज हमारा स्टे था बिलाल भाई के घर, बिल्लू के घर वाले आप आज जो जैसा आपको पता है कि शहजाद टाउन में है तो वो वहाँ रह रहे हैं, उनका स्टे वहाँ पे है। बिल्लू भाई जो है अकेले थे तो मैं बिल्लू भाई के साथ यहाँ पे सोना है।
व्यूअर्स अभी जो है हम सोने लगे हैं, आप भी सो जाए मैं कह रहा था, आप भी सो जाए, आराम करें, हम भी सोते हैं। सुबह इंशाल्लाह देखेंगे क्या है सीन यहाँ का। अली साहब वह पहुँचे हैं करें पहुँचे, आपको लम्बा बलम्बा जो है साथ में अपडेट करते रहेंगे सुबह क्या हालात बनते हैं इस बात के। अभी सुन रहे थे कि फौज तैनात हो चुकी है यहाँ पे 12 बजे के बाद, अगर सुबह बाहर निकलने के हालात हो तो बाहर भी निकलेंगे, अगर यही के हालात हो तो यही घर में सोए से सारा दिन गुजार देंगे। देखते हैं कि सुबह क्या बनता है। शब्बा खैर हमारी दोनों की तरफ से, आप भी नींद फरमाए, हमें नींद फरमा दें, मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।